विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सर्वेभ्यो नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ श्री परम ऋषिभ्यो नमः ॐ श्री परमात्मने नमः ॐ वैदिक संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति मानव मात्र की संस्कृति जो यह बताती है कि मनुष्य को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए, वे कौन से साधन हैं जिनके ऊपर चलकर, जिनका अनुसरण करके हम इस लोक से परलोक की यात्रा, साधन से साध्य को किस प्रकार से पा सकते हैं, किस प्रकार से उस यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए। कर्तव्य कर्मों को करने का कहीं पर लेश मात्र भी निषेध किसी भी शास्त्र में नहीं है। अंत में ईश्वरीय प्राप्ति के विषय में जो उपनिषदकार कहते हैं और ईश्वर के विषय में जो चर्चाएं की हैं कि वह सुवेद भी नहीं है, सुवेदा, कि वह अच्छे प्रकार से जाना जाए ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा दंभ करे, ऐसा कहते हैं कि फुल कॉन्फिडेंस में कि ऐसा भी कोई नहीं कह सकता है कि मैंने पूर्ण रूप से जान लिया है ईश्वर को, अब कुछ जानना शेष नहीं है मेरे लिए। ईश्वर को जानने के बाद तो व्यक्ति ये कह सकता है सांसारिक विषयों में कि सांसारिक विषय में मुझे कुछ जानना शेष नहीं है, लेकिन ईश्वर के विषय में कोई ये कह दे कि मैंने ईश्वर को जान लिया है और अब मुझे ईश्वर के विषय में कुछ भी जानना शेष नहीं है, ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह इतना विशाल है, इतना विराट है। और कोई ये कहे कि ना वेदा, कि मैं तो उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता हूं और कुछ भी जाना जा ही नहीं सकता, उस ईश्वर को तो जान ही नहीं सकते कि जो भी हमारे इंद्रिय विषय हैं, इंद्रियां हैं, किसी भी प्रकार से विषय को केंद्र में रख करके, कि साधन को केंद्र में रख करके, कार्य को केंद्र में रख करके व कारण को केंद्र में रख करके किसी भी प्रकार से उसको जाना ही नहीं जा सकता है। अगर ऐसा कोई कहे तो भी ऐसा कहते हैं ऋषि, वेद च जाना तो जाता है, बिल्कुल तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर का स्पर्श ना हुआ हो, ना होता हो, उसको ना जाना जा सकता हो। तो फिर सही बात क्या है? तो कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान साधना के उत्कर्ष पर रहते हुए समस्त विकारों से दूर भीषण प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए ईश्वरीय पथ का अनुसरण करते हैं, निष्काम भाव से, निष्प्रिय भाव से ईश्वर के, ऋषियों के वंशज होकर के उनकी ही तरह जीवन को जी करके, उनके जैसे तो क्या स्वयं के जीवन को ऋषि तुल्य बना करके जो इस पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो वो ये बात अंत में कह तो सकते हैं कि मैंने ईश्वर के कुछ भाग को तो जान ही लिया है, वेद च। हाँ, मैं पूरे को जानने में तो असमर्थ हूं, पूरा तो नहीं जान पाया ईश्वर को, लेकिन कुछ तो मैंने जाना है। उसके विषय में कह रहे हैं कि ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है उसको शास्त्र स्वीकृति देते हैं, उसको कहते हैं कि हाँ ये विद्वान है, ये जान पाया है, इसको कुछ तो पता है। लेकिन जो यूं कहे कि मैं तो सब कुछ जान गया हूं, तो ज्ञानी लोग उसको कहते हैं, उपनिषदकार ऐसा कह रहे हैं कि वो तो फिर अभी कोरा ही है, वो जो कह रहा है ये दंभ भरता है, मैं पूरा जान लिया है, तो इसका मतलब ही अभी देखा ही नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि मैं तो किसी विषय को पूर्ण रूप से जान चुका हूँ और हमें ये पता है, शास्त्र, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, ईश्वर की स्वयं की वाणी,
वेदों में ऐसा लिखा है कि वो इतना विशाल है, इतना विस्तृत है, इंद्रियों से परे है, अत्यंत सूक्ष्म है, समस्त सृष्टि का कर्ता धर्ता नियंता है, कालातीत है, निराकार है, निर्विकार है। ऐसे परम पुरुष के विषय में कोई व्यक्ति यह दंभ करे कि मैंने पूर्ण रूप से उसको जान लिया है, तो इसका तो सीधा सा मतलब है उसने जाना ही नहीं है। जिसको जाना भी कुछ और ही जान लिया उसने, ईश्वर को तो नहीं जाना। जैसे पतंजलि संन्यास आश्रम में आया कोई, आकर के देखा कि अच्छा ये ठीक है, और जाकर के कही मैंने तो पतंजलि योगपीठ को अच्छे से देख लिया, सब पहचान लिया, जान लिया। तो जो पतंजलि योगपीठ के विषय में ठीक ठीक जानते हैं उनको तो पता ही है ना उसने क्या जाना है। एक पक्ष है ये, तो ये एक अलग बात है कि ये महत्वपूर्ण पक्ष है, मूल में है। इसको परम श्रद्धेश्वर स्वामी जी, परम श्रद्धेश्वर आचार्य जी मूल में रखते हैं, केंद्र में रखते हैं। लेकिन कोई यह कहने लगे कि हमने सारा विस्तार जान लिया पतंजलि योगपीठ का, तो ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब वो उसने जाना क्या अभी। तो ऐसे ईश्वर के विषय में ऐसे युक्ति, ऐसे तर्क, ऐसे प्रमाण कोई व्यक्ति दे, तो जो उपनिषदकार हैं वो इसका निषेध कर रहे हैं। तो वही बताया कि ना हम मन्ये, मैं गुरु जी कह रहे हैं शिष्य से, ना हम मन्ये, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ सुवेदयति अर्नो न वेदयति, नहीं जाना सकता, ऐसा भी नहीं है, नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वेद से जाना जाता है। तो उसको किस प्रकार माने, ऐसा कौन व्यक्ति है जो जिसको विद्वान माने, ब्रह्म ज्ञानी माने? तो कहा यो नस्तद वेदा, तद वेदा ना हम में से यो तद वेदा, जो उसको जानता है, वह थोड़ा जानता है। और किस प्रकार जानता है? न वेदयति, जो कि मैं इसके बारे में सब कुछ तो नहीं जानता लेकिन थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। इस प्रकार की जो बात कहने वाला व्यक्ति है वेद च है, उसको शास्त्रकार कहते हैं, वो कुछ जानता है ईश्वर के विषय में। माने जो दंभ से परे है, घमंड से परे है, और ईश्वर के विषय में कोई ऐसा कह दे कि मैंने सब जान लिया, तो रुचि समाप्त हो जाती है। कि मनुष्य का एक स्वभाव है, एक इच्छा होती है कि मैंने जिसके विषय में जान लिया तो जान लिया, तो उसके प्रति हमारी रुचि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब जो जानने का विषय था उसको जान ही लिया, बचाए क्या जानने के लिए? तो एक ऐसा दोष आने लगता है। जैसे आपको कहा जाए कि अष्टाध्यायी या दर्शन याद करो, आपने याद कर लिए, कोई याद करो तो कह याद कर लिए, अब क्या करें जी? तो कार्य पूर्ण हो गया वो। तो ऐसे कोई कहेगी हमें ईश्वर को जानना था, अब हमने ईश्वर को जान लिया, अब क्या करें जी? तो ईश्वर ऐसा विषय नहीं, सतत निरंतर रुचि का विषय है। निरंतर आपकी जिज्ञासा को, आपको अपने ज्ञान चक्षुओं को सदैव जागृत रखना होता है, सदैव उस ज्ञान पिपासा को सदैव प्रज्वलित रखना होता है, जाजुल्यमान रखना होता है। आपको सदैव ईश्वर के लिए तो प्यासा ही बनना पड़ेगा। अमृत की वर्षा तो होती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि, मैं लौकिक संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अभी जो विषय चल रहा है आध्यात्मिक साधकों के लिए, कि जब ईश्वरीय आनंद में ध्यान साधना में बैठते हैं तो जो आनंद की अनुभूति होती है, तो ऐसा नहीं कि बस वो आज हो गई फिर हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए समाप्त, कि बस अब तो हमने जान लिया ईश्वर को, परमात्मा को, अब कुछ शेष नहीं रहा, ऐसे नहीं। निरंतर सतत बहुत शेष होता है जानने के लिए। और जब हम योग दर्शन में इसी क्रम में आएंगे आगे, क्योंकि वैदिक संस्कृति के तो सभी दर्शन, उपनिषद, वेद सभी पार्ट हैं ही, तो बल्कि वेदों से ही सारा ज्ञान निस्सृत हुआ है। तो उस क्रम में हम देखेंगे आगे, योग दर्शनकार भी बड़ा अच्छा इस विषय में अपना अपने बातें रखते हैं। महर्षि पतंजलि ने बड़े अच्छे से विशाल रूप से व्यास भाष्य उसका हुआ है, उसमें बहुत अच्छे से छोटे छोटे विषयों को उठाया है, किस प्रकार मनुष्य की वृत्तियाँ होती हैं, किस प्रकार से वह सर्वज्ञ हैं और हम अल्पज्ञ हैं। तो इसमें आगे बताते हैं इसी विषय में, ईश्वर को जानने के विषय में उपनिषदकार के उपनिषद में क्या कह रहे हैं। यस्य अमतम तस्य मतम, उन बातों को ही बार बार और पुष्ट करते जा रहे हैं अपने विषयों को। कुछ होते हैं ना ज्ञानी लोग, ज्यादा ज्ञानी होते हैं तो वहाँ तर्क, प्रमाण, युक्तियाँ देनी पड़ती हैं, चीज़ें समझ नहीं आती। श्रद्धावान व्यक्ति हो, इसका कोई निषेध भी नहीं है कि सीधे सीधे किसी व्यक्ति से आए कुछ भी बताए और कुछ भी मान ले, ऐसा भी नहीं। प्रथम बार देखिए, श्रद्धा सत्य पर आधारित होती है। श्रद्ध
सत्य पर। जिसमें सत्य नहीं वो श्रद्धा नहीं, एक बात स्पष्ट हो, जहां सत्य नहीं वहां श्रद्धा नहीं, वह फिर अंधश्रद्धा होती है। श्रद्धा का मूल तत्व सत्य, सत्य पर टिकी होती है श्रद्धा, और फिर आगे वो बलवती होती है। कुछ लोग कहते हैं हम तो जी बस श्रद्धा करते हैं, हम और कुछ नहीं जानते। तो यह आपको चुनाव करना होगा कि जिसके ऊपर आप श्रद्धा कर रहे हैं उसके जीवन में सत्यता कितनी है, और उसको परखिए आप। जैसे परम श्रद्धेश्वर स्वामी जी महाराज कहते हैं ना कि ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं पहले, कोई कार्य करना होता है, किसी को हायर करना होता है, इतने बड़े बड़े अब तो कार्य चल रहे हैं राष्ट्र व्यापी विश्वव्यापी, इस देश में आर्थिक रूप से भी काफ़ी कार्य हो रहे हैं, शिक्षा संस्कार स्वदेशी के विषय में, चिकित्सा के विषय में, तो जहाँ भी हैं कि वो ट्रैक रिकॉर्ड, किसको हायर करना है, नियुक्त करना है बड़े बड़े पदों पर भी, तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। तो जब आप आते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड तो देख कर आते हैं, कुछ सीधे भी आते जो इतना विश्वास रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अवचेतन मस्तिष्क में इतना तो ध्यान रखते ही हैं सभी, इतना तो सब विचार कर ही लेते हैं कि जिन गुरुजनों के पास में, जिन समर्थ सत्ताओं के पास में हम जा रहे हैं कि वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, इस समाज के लिए, इस समष्टि के लिए, अंततः आत्मोत्थान के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं इस देश में, तो हम तो ऐसे साक्षात समर्थ गुरु सत्ता के पावन सानिध्य में हैं कि जो विगत 35-40 वर्षों से इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, समष्टि के कल्याण के लिए अनवरत प्रयास कर, और केवल अनवरत प्रयास ही नहीं कर रहे, सफल प्रयास कर रहे हैं। ये बात, इस विषय पर ध्यान देना आवश्यक है, केंद्रित होना होगा इस बात पर कि केवल प्रयास मात्र नहीं है, सफल प्रयास है। जिस विषय को कहते हैं सिद्धियां होती है कि वाणी से कह दिया और पूरी हो जाती है, तो हो रही है। जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में सफलता के नए शिखर, नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, एक ऐसा विराट व्यक्तित्व, माने किसी एक क्षेत्र में एक व्यक्ति पूरा जीवन लगा देता है और सफल हो या ना हो इसकी भी कोई सीधी सीधी गारंटी नहीं होती है, लेकिन अनेकों बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी कैसे संभव है बिना पुरुषार्थ के, हो ही नहीं सकता। क्या कुछ वर्षों के पुरुषार्थ से, ये भी नहीं हो सकता। सतत निरंतर योग दर्शन का सूत्र आता है ना, सत दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवित हो दृढ़ भूमि, वो चित्त के लिए आया है कि हमारी चित्त की स्थिति कैसी होती है जब हम विषयों को त्याग देते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, सारी चित्त की वृत्ति को निरोध कर देते हैं और धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। कोई कहे कैसे पाए उसको, अभ्यास वगैरह के वो कैसे पाए, तो उसके विषय में साधन रूप में बताते ही हैं दर्शन का, ऋषि का, ऐसे करो। हर क्षेत्र में घटती ही हैं बातें। जब हम एक बार निर्णय कर लेते हैं अपना गुरुजनों के प्रति, सारे उनके द्वारा किए गए कार्यों को देख करके, और सबसे बड़ी बात होती है उनके स्वयं के आचरण को देख करके, उनके जीवन शैली को देख करके, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो प्रातःकाल से लेकर रात्रि पर्यंत अनवरत पुरुषार्थ में लगे हैं, तो सहज ही एक श्रद्धा स्वयं हिलोरे मारने लगती है। तो वो श्रद्धा सत्य पर आधारित श्रद्धा है, वो श्रद्धा उनके आचरण, उनके विवेक पर, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर, समष्टि के कल्याण के लिए उनके द्वारा किया गया तप मूल में है। तो फिर आपको बहुत अधिक ना भी पता हो तो भी वहां पर श्रद्धा सत्य पर ही आधारित है आपकी। और कहा भी श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो ज्ञान कौन सा वाला है, वो ज्ञान है बोध रूपी ज्ञान, बोध रूपी ज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान, चौथे स्टेज वाला बोध रूपी ज्ञान। और सामान्य रूप से तो घटा सकते ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उपनिषद तो अंततः बात करते हैं, इसलिए उस विषय में बात कह रहा हूं। बाकी तो गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखते ही, तो जो जितनी श्रद्धा रखते हैं तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, चाहे हम पुस्तकें ज्ञान पढ़ते हैं, व्यावहारिक ज्ञान सीखते हैं। तो जो भी शिष्य अपने गुरु का प्रेमी होता है, अपने आचार्य का प्रेमी होता है, वो अधिक सीख ही लेता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आचार्य अधिक सिखा देते हैं, ऐसी बात नहीं होती, सहज प्रक्रिया होती है। मम चित्तम अनुचित्तम तेस्त, मम वाचम एक मना जुषस्व,
मतलब मेरा चित्त गुरु आचार्य ईश्वर किसी भी रूप में ले सकते हैं, मतलब मेरा चित्त और शिष्य का चित्त एक हो जाए, मम चित्तम अनुचित्तम तेस्तु, तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो जाए, ऐसे मम वाचम मेरी वाणी, तो ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं वेदों में की हैं। जब वेदों में इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की हैं तो थोड़ी बहुत प्रतिज्ञाएं तो हम भी कर ही सकते हैं उस पथ पे जिसके लिए प्रतिज्ञाएं की हैं। अब आप लोग अपने को ये अलग में समझो, और आप भी जो सुन रहे हैं इनके लिए थोड़ा अधिक है, आपके लिए थोड़ा कम है, बाकी करना तो सभी को है। अब वेदों में, शास्त्रों में, दर्शनों में, उपनिषदों में जो निर्देश, जो संदेश दिए गए हैं ना, वो हम लोगों पर तो सीधे साक्षात इम्प्लीमेंट होते हैं, हमारे पास विकल्प नहीं है। इस पथ पर चलने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो दूसरे के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, नहीं ये तो तब करेंगे, नहीं, हमें तो आज से अभी से इसी क्षण प्रारंभ कर देने हैं वो सभी विहित कर्मों जिनको वेद उपदेश करते हैं, जिनका उपनिषद उपदेश करते हैं, जिनका दर्शनकार उपदेश करते हैं। हमारे लिए ऑप्शन नहीं है कि बाद में करेंगे, 20 साल बाद करें, क्यों करेंगे, आ चुके हैं ना इस पथ पर, कब करेंगे, उस प्रेम स्वरूप परमात्मा का दर्शन तो करना ही है ना, तो अपने हृदय के पटों को तो खोलना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं दे रहे, ऑप्शन नहीं है। किसी भी कर्म में प्रमाद की स्थिति आने पर हम स्वयं, वो कहते हैं ना कि एक लकड़हारा था और वो बैठ गया पेड़ की शाखा पर और कुल्हाड़ी लेकर के जिस शाखा पर बैठा था उसी के मूल को काटने लगा, उसको काट दिया, गिर गया। ऐसा हमें नहीं बनना है। यदि हम प्रमाद करते हैं, आलस्य करते हैं, अपने विहित कर्मों का ठीक ठीक पालन नहीं करते, तो जाने अनजाने हम उसी स्थिति में हैं, शाखा पर तो आकर के बैठ गए हैं और काटना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना, हमें तो उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करना है अपने तप से। प्रातः काल उठकर योग प्राणायाम के माध्यम से, शारीरिक व्यायाम के माध्यम से अपने स्वेद की स्वर्णमयी बूंदों को अपने गुरु के चरणों में अर्पित करना है, इन भावों से आरोग्य को प्राप्त करना है। यदि हमारी स्थिति ही नहीं होगी, आसन सिद्ध ही नहीं होंगे, बैठ ही नहीं सकते, शरीर स्वस्थ ही नहीं होगा, तो भूल जाओ ब्रह्म को। इसमें आपत्ति हो सकती है कि क्या शरीर, ये स्वास्थ्य क्या ईश्वर को पाने का साधन है? बहुत बड़ा साधन है, और इतना बड़ा साधन है कि हो सकता है कि कोई और साधन ही ना हो। तो फिर प्रश्न उठता है कि जो बड़े बड़े पहलवान हैं, तगड़े तगड़े हैं, तो फिर उनको तो सबको प्राप्ति होनी चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि यह केवल एकमात्र साधन नहीं है ना, यह एक अत्यंत सुंदर उपयोगी साधन है, एक सशक्त माध्यम है। शरीर, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, एक साधन के अंतर्गत आता है, केवल साधन नहीं है। कोई कहेगा मैं तो बस खूब सुबह से शाम तक दंड लगाऊंगा और ईश्वर को पालूंगा, बल पा सकते हो, बलम उपासना वेदों में संदेश है, अस्मा भवतु नस्तन, हमारे शरीर वज्र की तरह हो जाए, हम बल की उपासना, कृतम में दक्षिण हस्ते, जयो में सव्य आय, ऐसे अच्छे अच्छे उपदेश कि हम कर्म करें, बस विजयश्री तो बाएं हाथ में है, ऐसे उपदेश। तो इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए आगे तो बढ़ना है, साधनों को करते हुए। तो अपने लिए तो जीवन से विकल्प वाला शब्द हम हटा दें, और आप लोग भी हटा तो सकते हैं, जैसे योग करना है, प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, सुबह उठ करके यज्ञ दिनचर्या का पालन करना है, बहुत सारी संध्या ना कर सकते हो तो 11 बार 21 बार बैठकर गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, यज्ञ ना कर सकते हो, समय नहीं है तो एक घी का दीपक तो घर पर जला ही सकते हैं, सभी कर सकते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बता रहा हूं, इतना तो करना ही चाहिए, मनुष्य हैं इसलिए करना चाहिए, पशु पक्षी नहीं है, भोग योनि में नहीं है, निर्माण करने वाली योनि में है।
अपने कर्मों का निर्माण कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो कीजिए। ईश्वर ने इतने सुंदर शरीर दिया है, इतने सुंदर एक रचना बना दी है, उसमें आपको दे दिया बना करके, बेटा इसका उपयोग करो, उपयोग भी सदुपयोग करो। उपयोग तक भी क्यों सीमित रहना, सामान्य उपयोग मतलब सामान्य अर्थों में इसका सदुपयोग करो, घन घोर सदुपयोग करो जितना कर सकते हो। मतलब इसकी मैक्सिमम लिमिट जितनी होती है सदुपयोग की, उस लिमिट तक जाओ। किसने रोका है, किसने रोका है? बढ़ाओ, लिमिट बढ़ाओ, कहीं कोई बाधा तो है नहीं। शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाओ, पर इतना है विवेक पूर्ण तरीके से बढ़ाओ। ऐसे नहीं कोई 80 साल के बुजुर्ग सुबह उठ करके मैं तो 500 दंड लगाऊंगा और बस हो गया काम, उसी दिन संदेश आ जाए, घर वाले फोन करना शुरू कर दें रिश्तेदारों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? एक बेड के ऊपर एक बुजुर्ग बहुत जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगे। कुछ चीजें कुछ विशेष अवस्था में ही सूट करती है, अनुकूल होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है 1 साल का 2 साल का, वो बेड पे लेटा हुआ है, पालने में लेटा हुआ है, अगर वो हाथ पैर ना हिलाए, वो एकदम शांत स्टिल लेट जाए, तब घर वालों को चिंता होगी, कुछ होता नहीं क्या, डॉक्टर के पास जाएंगे। और यानी वो हाथ पैर हिलाता तो उनको रहेगा ठीक है। और एक 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति बेड पे लेटा है, शांत लेटा है, तब ठीक है। वो हाथ पैर हिलाने लगे तो चिंता हो जाएगी कि डॉक्टर के पास ले जाओ। तो इसलिए कुछ चीजें काल के अनुसार अवस्था के अनुसार भी, तो इसलिए जो मैंने कहा ना शारीरिक सामर्थ्य वाला, इसमें भी सामंजस्य बना करके लेकिन बढ़ाया जा सकता है, साधन के रूप में हम इसको बढ़ा सकते हैं और बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? क्योंकि उसको पाना है ना, हमें इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी सुंदर रचना दी है। आप अपने किसी मित्र के पास गए, उससे कहा कि भाई आवश्यकता है, हमें कोई नई गाड़ी थी उसके पास, या कोई मोटरसाइकिल, जो भी एक अच्छी सी मोटरसाइकिल जल्दी दे देते हैं, तो मोटरसाइकिल ले लिए, वो नई लेके आए थे बढ़िया 2-4 दिन पहले, और बड़ा पक्का मित्र उनका। तो भाई ने कहा ले जाओ भाई ले जाओ, वो ले गए, ले गए, और उसने उसको पूरा तोड़ ताड़ के ला के खड़ी कर दी एक्सीडेंट करके। अब वो फिर कुछ हुआ कहा सुनी उनमें, वो ला के खड़ी करके चला गया, उसको तो काम करना है जिसकी है, गया उसने पैसे लगाए, फिर पूरा ठीक ठाक कराई। वो कुछ 15 दिन बाद फिर आया मांगने कि भाई थोड़ा बड़ा अर्जेंट काम है, बड़ा विशेष अभी जाना है, अभी ला के दे दूंगा आधे घंटे में। क्या वो देगा? सामान्य लौकिक व्यवहार, वो भी नहीं देगा। और भगवान तो हमें, हम उनके पथ पे चले या ना चले तो भी हमें, हमारे जैसे ही कर्म पूरे हो जाते हैं, हम कर्मों को भोग लेते हैं, फिर मनुष्य बना देते हैं, फिर हमने उल्टे पुल्टे कर्म कर दिए, फिर थोड़ा सा दंड वंड देते हैं कि विधान के तहत फिर मनुष्य बना देते हैं। जब तक हम उसके पथ पर नहीं चलते तब तक लगातार इस प्रोसेस को चलाते रहते हैं। असंख्य बार हम गलती करते हैं, असंख्य बार उसको कर्मफल व्यवस्था के अनुसार उसको मैनिपुलेट करते हैं, और फिर बार बार हमें जन्म देते रहते हैं। सुधर जाओ, इसलिए वह करुणाशील है, बहुत अवसर देते हैं, देते ही रहते हैं। जब तक आप उसको पा ना लो, जब तक आप अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को पा ना लो, तब तक यह ईश्वर की प्रतिज्ञा है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संताप मत कर, देता रहूंगा जन्म, छुटा दूंगा सारे पाप सारे क्लेश, बादाम खाने से नहीं आएगी अकल, तो ठोकर खा के खिला दूंगा। कहते हैं ना गांव में ईश्वर की लाठी बेजुबान होती और दर्द होता है भयंकर, तो भगवान की लाठी है, ईश्वर का दंड हैमर है, उसका हथौड़ा होता है ना हैमर, घन तगड़े वाले हथौड़े को घन बोलते हैं ना, उससे जो लोहे की रोड होती है ना, वो मुड़ी होती है, रख करके उसको नीचे मारते हैं, ऊपर से हैमर, ऐसे हमारी अकड़ निकाल देते हैं परमात्मा, दिखता नहीं है, सारी अकड़ निकाल कर सीधी लाइन में चला देते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग वैदिक पथ पर सीधे चलो। तो इस पथ पर चलने के लिए सबसे पहले आवश्यक श्रद्धा हम रखें, प्रसन्नता के साथ रखें, मन में 1% विकल्प को स्थान ही न देना,
संकल्प और विकल्प इन दोनों धाराओं के बीच मनुष्य का जीवन चलता है। विकल्प में चले गए तो फिर एक विकल्प, उसके बाद दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जाने कितने विकल्प दिमाग में उठते रहेंगे, हर कार्य में विकल्प खोजते रहोगे। और संकल्प करना है, कोई आग्रह नहीं, करना है बस। यह नहीं हुआ, ठीक है जी, प्रयास करें, कल से बिल्कुल आना है, ये कार्य हो गया था, ये हो गया था, हो जाएंगे, निश्चित मानता हूं मैं इसको, गलत नहीं। आप बहुत अच्छे से तर्क भी देंगे और आपकी बात सही भी होगी और धीरे धीरे स्थितियां भी ऐसी बन जाएंगी, ये भी बात है, धीरे धीरे स्थितियां भी ऐसी बन जाएंगी और वो प्रबल होती चली जाएंगी कि आपके तर्कों को कोई काटने में भी असमर्थ होगा, उसको ऐसा लगेगा कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं, और वास्तव में ऐसा होने भी लगेगा। ये तो सृष्टि संकल्पों से चलती है, और संकल्प में कर लिया कि नहीं कुछ भी हो जाए इसका पालन करना है, तो परिस्थितियां आपके अनुकूल चलेंगी। कुछ भी हो जाए आपको ऐसे अवसर मिलने लगेंगे, परिस्थितियां ऐसे होने लगेंगी कि आपके उस समय में आप मैनेज करना शुरू कर दोगे। कहते हैं ना, करने वाले के लिए तो एक ही उत्तर होता है, करना है, ना करने वाले के हजार बहाने, ऐसा ही सृष्टि का क्रम है। तो संकल्पवान पुरुषोयम, मनुष्य कैसा है, संकल्पवान है, तो अपने संकल्पों में हम दृढ़ता रखें और उस परम पुरुष को, उस परम सत्ता को, समर्थ गुरु सत्ता के माध्यम से इस भौतिक संसार में हम अपने गुरु के प्रिय हों, उनके प्रति अनन्य श्रद्धा रखें, उनके एक सच्चे शिष्य बन जाएं, तो धरती पर तो अपने समर्थ गुरुजनों के शिष्य बन जाएं, तो हमारे अंतरतम में विराजमान परमात्मा भी वो तो सब जानता ही है। और जो इस जीवन में अपने को लौकिक भौतिक जगत में स्वयं को सिद्ध कर लेता है, तो ईश्वर के पथ पर चलने का तो वो क्या हो जाता है, पात्र बन जाता है। तो हम सभी ईश्वरीय पथ के पात्र बने, सभी प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से परिपूर्ण हों, अपने संकल्पों में न्यूनता न लाएं, पूर्ण दृढ़ता के साथ विकल्प को हटा करके उस पथ पर आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ